मोबाइल में पुरानी आयत रख सकते हैं या नहीं? कुछ लोग ये कहते हैं कि आयत या हदीस जो मोबाइल में आती है उसको डिलीट करने से गुनाह होता है। मोबाइल में पुरानी आयत भी महफूज रख सकते हैं और आज आसानी उसमें है, जो कुरान पाक महफूज कर लेते हैं सफर में हो या अपने वतन में, आसानी के साथ उसको खोलकर तिलावत कर लेते हैं, तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। यूं ही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें या हदीसों की किताबें महफूज कर लेना ये भी जायज़ व दुरुस्त है। मसले मसाइल की जो फिकही किताबें हैं वो भी जमा कर सकते हैं और महफूज रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मोबाइल की मेमोरी भर गई और ज़रूरत है कि उसमें कोई और अच्छी चीज़ लोड करें, इस वजह से अगर कोई कुरान पाक की कुछ आयात को डिलीट कर दे, महव कर दे, तो ये नाजायज नहीं है, ये जायज़ व दुरुस्त है। असल में कुरान पाक को जो महव करना मना है ये कहाँ है, इस पर गौर होना चाहिए। कोई आदमी कुरान पाक को याद कर ले तो उसे हुक्म है कि बार बार तिलावत करता रहे और उस पर अमल करे ताकि कुरान पाक उसके सीने में महफूज रहे। याद करके कुरान पाक को याद करके और सीने के मेमोरी में महफूज करके वहाँ से डिलीट करना ये शरीयत ने मना किया। तो मना है सीने की मेमोरी से कुरान पाक को डिलीट करना और उसको चस्पा कर दिया मोबाइल की मेमोरी पर, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़।